राजधानी दिल्ली में मौजूद सफदरजंग हॉस्पिटल से सीबीआई ने न्यूरो सर्जन समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी पर सर्जरी के नाम पर वसूली करने के आरोप लगे हैं। सीबीआई ने गुरुवार को यह कार्रवाई की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह गिरोह मरीजों को सर्जरी से पहले कथित रूप से महंगी दवाएं एक खास सर्जिकल स्टोर से खरीदने के लिए मजबूर किया करते थे। न्यूरो सर्जन का नाम मनीष रावत बताया जा रहा है, जिसे उसके चार सहयोगियों के साथ सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में गुरुवार को बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में बावड़ी की छत धंसने से हुए हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 35 पहुंच गई है। कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। अब भी एक व्यक्ति लापता है, जिसकी तलाश जारी है। जानकारी के मुताबिक 18 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 2 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। गौरतलब है कि रामनवमी के मौके पर हवन के बाद कन्या पूजन के दौरान मंदिर में बावड़ी की छत धस गई और वहां मौजूद 50 से अधिक लोग उसमें गिर गए। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बचाव अभियान चला रही हैं। पेरिस स्थित लग्जरी ब्रांड डियोर के फैशन शो में कई बॉलीवुड सितारों ने शिरकत की। गुरुवार रात मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर हुए शो में अनुष्का शर्मा, उनके पति क्रिकेटर विराट कोहली, अनन्या पांडे, श्वेता बच्चन और सोनम कपूर शामिल हुए। दिग्गज एक्ट्रेस रेखा भी फ्रांसीसी फैशन ब्रांड के विशेष शो में खास मेहमानों में से एक थी। इसके अलावा कई और मशहूर हस्तियों ने भी इस इवेंट में शिरकत की। हिंदुस्तान बिस्मिल्ला खां का देश भी है और पंडित रविशंकर का मुल्क भी। यहाँ खां साहब की शहनाई भी बसती है और पंडित जी का सितार भी गूंजता है। इसकी एक मिसाल रामनवमी के मौके पर देखने को मिली, जहाँ हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक बार फिर गंगा जमनी तहजीब का उदाहरण पेश किया। कर्नाटक के मैसूर में रामनवमी समारोह के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पानका और कोसंबरी हिंदू भाइयों के बीच बांटे, और वहीं ओडिशा के भद्रक क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने रामनवमी जुलूस में हिस्सा लिया। इस खूबसूरत हिंदुस्तान की ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है और लोग इसकी खूब सराहना कर रहे हैं।